लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतहाई शर्मनाक वीडियो सामने आई है, जिसमें कस्टम एहलकार कनाडा जाने वाले एक पाकिस्तानी से रिश्वत मांगता हुआ नजर आ रहा है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए कनाडा से लाहौर पहुंचा था। ये अपने साथ 1,00,000 कैनेडियन डॉलर्स का कसीर जरे मुबादला भी पाकिस्तान लाया था, लेकिन जब वापस जाने लगा तो इसे एयरपोर्ट पर इमरान इलाही नामी कस्टम एहलकार ने घेर लिया। उसके पास तकरीबन 9,500 कैनेडियन डॉलर थे, जो FBR की मुकर्रा हद से ज्यादा थे। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी 5,000 अमरीकी डॉलर तक अपने साथ ले जा सकते हैं। 9,500 कैनेडियन डॉलर्स अमरीकी 7,500 डॉलर्स बनते हैं। कस्टम एहलकार ने ओवरसीज पाकिस्तानी की इस गलती को भांप लिया और उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। जब ओवरसीज पाकिस्तानी ने मिन्नत समाजत शुरू की और उससे कहा कि उसकी फ्लाइट लेट हो जाएगी, जिस पर कस्टम एहलकार ने धमकी आमेज लहजे में उसको एक धमकी लगाई और कहा, आराम से बात करो, फंसने वाली बात क्यों करते हो, तुम्हारे पास 2,200 डॉलर ज्यादा है, तुम इस चीज को लाइट ले रहे हो, अभी रिकवरी बनाकर तुम्हें बिठा लेंगे, तुम्हारे सारे पैसे भी जब्त कर लेंगे, फिर तुम्हें ठंड पड़ जाएगी। धमकी देने के बाद अब पेशकश की बारी आई। इमरान इलाही ने मुसाफिर को 100 डॉलर के एवज क्लियर करने की पेशकश की। जब मुसाफिर ने कहा कि 100 डॉलर बहुत ज्यादा हैं, तो उस फर्ज शनास अफसर ने उसको ये रियलाइज करवाया कि सोचो, तुम्हारे 100 डॉलर के एवज 3,000 डॉलर बच रहे हैं, ये घाटे का सौदा नहीं है, जरा इसको जरब देकर देखो, तुम्हारे 7,00,000 रुपए बचा रहा हूँ, वरना तुम्हारे सारे पैसे जब्त हो जाते। अब पता नहीं इस ओवरसीज पाकिस्तानी ने इस कस्टम एहलकार को कितने पैसे देकर अपनी जान छुड़वाई होगी, लेकिन उसने एक काम बहुत ही अच्छा किया, उसने सारे वाकये की एक खुफिया वीडियो बना ली। उससे फायदा ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान ने इस काली भेड़ के दर्शन कर लिए। वीडियो सामने आने के बाद इस एहलकार को मुअत्तल करके हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। ये पहला मौका नहीं है कि किसी ओवरसीज को पाकिस्तान के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह की हजीमत का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं, कई वाकयात की वीडियोस भी मंजरे आम पर आई हैं। बाज़ औक़ात तो कस्टम एहलकार मुसाफिरों को मारते पीटते भी नजर आते हैं। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में आता है, तो उसके लिए वहाँ के एयरपोर्ट्स फर्स्ट इम्प्रेशन होते हैं। अगर पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मौजूद ये काली भेड़े गैर मुल्की सयाहों के साथ भी यही रवैया इख्तियार करें, तो उनकी नज़र में पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा। दुनिया भर के ममालिक एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात देने की तगोदो में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती है। हम सहूलियात देने की बजाय दिहाड़ी के चक्कर में क्यों रहते हैं। इमरान इलाही को मुअत्तल तो कर दिया गया, लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर पेश आने वाले वाकयात का लॉन्ग टर्म हल नहीं है। एयरपोर्ट्स पर काम करने वाले तमाम एहलकारों की अच्छी तरबियत होनी चाहिए। चेक इन बैलेंस का निजाम बेहतर किया जाना चाहिए। निगरानी के निजाम में मजीद सख्ती और बेहतरी लाई जाने की गुंजाइश बाकी होनी चाहिए, ताकि बैरून मुल्क से आने वाले फॉरन का पाकिस्तान के बारे में इंप्रेशन अच्छा जाए। अपने मेजबान यासर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।